हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैटरी सेवर क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं सो ये नाम आपने जरूर से सुना होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जब भी अपने फ़ोन का जो बैटरी परसेंटेज है वो 20% से कम देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो फ़ोन है आपको नोटिफाई करता है कि बैटरी सेवन को ऑन कर लीजिए। तो ये बैटरी सेवर क्या है और कैसे काम करता है, इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बैटरी सेवर को ऑन करना होता है सो सिंपल आप यहां से जा सकते हैं। देखिए यहां पे नोटिफिकेशन पहले में एक ऑप्शन बैटरी सेवर, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहां पे जो भी बैटरी सेवर है आपके एंड्रॉइड फ़ोन में वो आ जाएगा। तो यहां पे इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद क्या क्या जो चेंजेस है आपके एंड्रॉइड फ़ोन में वो जानते हैं। सो सबसे पहले जो यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो बैटरी सेवर ऑन करने के बाद ये जो बैटरी का आइकन है वो जो चेंज हो जाएगा, कलर वगैरह भी चेंज हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है जो कि आपके फ़ोन पे इनेबल हो जाते हैं जिससे आपके फ़ोन का जो भी बैटरी है ओवरऑल सेव हो जाता है। सो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें वो है रिस्ट्रिक्ट द बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ सिस्टम ऐप्स एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड के एप्लीकेशंस होते हैं सिस्टम एप्लीकेशन, उनके जो एक्टिविटीज़ होती है बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी कि वो कुछ एप्लीकेशन की एक्टिविटीज़ ही चल रही होती है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो भी अनइम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं जो कि बैकग्राउंड पे चलना ज़रूरी नहीं है। सो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन आपको इसमें मिल जाएंगे। सो कुछ एप्लीकेशन की एक्टिविटीज़ है वो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ वो स्टॉप हो जाती है जिससे जो भी रनिंग एप्लीकेशन होते हैं वो बैकग्राउंड पे रन नहीं हो रहे होते और CPU और RAM जो कंज्यूम होता है वो भी बंद हो जाता है। तो जब हार्डवेयर का कंजप्शन बंद हो जाएगा तो यहाँ पे ओवरऑल जो बैटरी है फ़ोन का वो सेव होता है। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि इनेबल होता है आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे वो है फ्रीज ऐप्स इन द बैकग्राउंड। सो ये ऑप्शन क्या करता है, देखिए जैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन अदर एप्लीकेशन चल रहे होंगे वो वहीं के वहीं फ्रीज़ हो जाएंगे, यानी कि बैकग्राउंड पे रन नहीं होंगे उस टाइम पे। अगर मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो सेकंड वाला एप्लीकेशन है वो यहीं पे फ्रीज़ हो जाएगा, ये यहाँ पे बैकग्राउंड पे रन नहीं होगा। तो ये कुछ ऑप्शन है वो इनेबल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे कैशे क्लियर करने का। तो जब भी आपका जो फ़ोन है वह डिवाइस है वो लॉक हो जाता है, स्क्रीन लॉक लग जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे वो जो एप्लीकेशन है वो बार बार उसी एप्लीकेशन के डेटा पे रन नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन के पास जब इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन और डेटा होता है तो वो जो एप्लीकेशन है रन होता है और बैकग्राउंड पे भी काम करता रहता है। फॉर लेट्स से एग्जांपल, यहाँ पे मैंने कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन ओपन किया तो यहाँ पे क्या होगा, वो सोशल मीडिया एप्लीकेशन वो जो भी न्यूज़ फीड है उनको कलेक्ट कर लेता है, उनके छोटे छोटे जो फाइल्स हैं उनको कॉपी कर लेता है, फिर उसके बाद जो फाइल है जब भी आप उस फ़ोन में उसको दोबारा से ओपन करेंगे तो वह फिर से रीलोड होते हैं। सो ये जो फीचर है क्या करता है, यहाँ पे आपके फ़ोन पे जो भी एप्लीकेशन का कैशे डेटा होता है वो क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन का कैशे डेटा दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको एक क्लियर डेटा का ऑप्शन मिलता है और एक और है क्लियर कैशे। सो ये वाला जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टर्न ऑफ बैकग्राउंड सर्विसेज, जैसे कि सिंक, GPS और इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ एंड्रॉइड फ़ोन के स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंक और GPS का ऑप्शन है। जब ये दोनों ऑप्शन फ़ोन पे इनेबल होते हैं तो देखिए क्या होता है, जब सिंक इनेबल होता है तो आपका जो भी डेटा है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे सिंक होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है, सिंक्रोनाइज होता है, जो कि ऑटोमेटिकली अपलोड होता है आपके इंटरनेट एप्लीकेशंस पे। सो GPS से क्या होता है, जो GPS है वो आपके करंट लोकेशन को जो एप्लीकेशंस को सेंड करता रहता है, तो वो जो एक्टिविटीज़ है वो किल हो जाते हैं। इसके बाद जो फ़ोन है और जो GPS है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। सो इससे भी आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सेव हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑफ फ्रंट चार्जिंग। सो ये चार्जिंग के लिए है, यानी कि जब आपका जो फ़ोन है वो 60% से ऊपर जो बैटरी चार्ज हो जाएगा तो ये बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद है यहाँ पे स्केड्यूल टू स्विच बिटवीन मोड्स, सो आप इसको चेंज कर सकते हैं कि कितने टाइम पे जो बैटरी सेवर है ऑन होना चाहिए और ऑफ होना चाहिए। जब भी बैटरी सेवर ऑन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चार फीचर हैं ये एनेबल हो जाएंगे आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे। और इस केस में जो भी वाईफाई और हॉटस्पॉट है वो ठीक से काम नहीं करते हैं, सो यहाँ पे आपको जो फ़ोन है वो बैटरी सेविंग जो फीचर है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। सो इस केस में आपका जो फ़ोन का वाईफाई है, हॉटस्पॉट है या फिर फ्लैश लाइट है वो इनेबल नहीं होगा या फिर वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बैटरी सेवर मोड इनेबल करने पे कुछ फ़ोन्स पे ठीक से काम नहीं करती हैं, और ये होता है बैटरी सेवर जो कि आपके फ़ोन के जो भी बैटरी है उसको सेव करता है अदर जो बैकग्राउंड सर्विसेज होते हैं उनको किल या फिर स्टॉप करके। तो इसको आपको हर टाइम यूज़ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ फ़ोन्स पे ये कुछ ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। इससे क्या होता है जो कि कुछ एप्लीकेशन में अगर आप सिंक या फिर GPS यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये और इनेबल हो जाएगा या फिर ठीक से काम नहीं करेगा। तो इस केस में आपको बैटरी सेवर है वो ऑफ ही रखना चाहिए, और जब जो बैटरी का परसेंटेज है वो 25, 30 या फिर 20 से कम हो रहा है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है एंड्रॉइड फ़ोन्स पे, और इससे भी काफ़ी हद तक जो बैटरी है वो सेव हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस नहीं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।